अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे क्वेरी फर्स्ट सिलेक्टर जो है वो हम यूज करते हैं टू सिलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप। सिंटैक्स है यहाँ पे डॉलर साइन जो है वो डिफाइन किया गया, जे क्वेरी परफॉर्म एक्शन को एक्सेस किया गया और फर्स्ट जो है वो यहाँ पुट किया गया, फर्स्ट सिलेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। एग्जाम्पल वन है, इस एग्जाम्पल में हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ एलिमेंट को बाय यूजिंग जे क्वेरी फर्स्ट सिलेक्टर, जिसमें HTML आता है डॉक्यूमेंट टाइप, HTML हेडिंग जो है वो यहाँ पे, ओपनिंग टैग जो है वो इसमें यूज किया गया, स्क्रिप्ट है ओपनिंग टैग है जिसके अंदर स्क्रिप्ट का सोर्स जो है वो आपने पुट करना होता है, स्क्रिप्ट जो है वो क्लोजिंग टैग इसको रिप्रेजेंट करना है, स्क्रिप्ट जो है वो ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप जो है क्वेरी पुट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन पुट किया गया और यहाँ पे जो है वो देखें कि पैराग्राफ फर्स्ट जो है वो यहाँ पे पुट किया गया। CSS प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे यूज की गई है, बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन पुट किया गया, अगेन जो है वो स्क्रिप्ट और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। बॉडी की बात करूं जिसके अंदर जो है वो यहाँ पुट किया गया हेडिंग वन है, सेंटर पुट किया गया गीक्स और हेडिंग वन जो है पैराग्राफ पुट किया गया गीक्स फॉर गीक, और जिसमें जे क्वेरी पुट किया गया और फर्स्ट सिलेक्टर जो है वो पुट किया गया पैराग्राफ की फॉर्म में बॉडी के अंदर। इसके बाद जो है वो यहाँ पे ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया, HTML जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना और आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें गीक्स फॉर गीक जो है वो फर्स्ट में CSS प्रॉपर्टी जो है वो यूज की गई है, बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज किया गया, ग्रीन शो किया गया। इसके बाद jQuery फर्स्ट सिलेक्टर जो है वो यूज किया गया। सेकंड एग्जांपल में हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ एलिमेंट को और फर्स्ट डिवीजन को बाई यूजिंग jQuery फर्स्ट सिलेक्टर, जिसमें HTML डॉक्यूमेंट टाइप, HTML हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग यहाँ पे यूज किया गया। इसके बाद स्क्रिप्ट का सोर्स आता है आपका, वो अपने URL के फॉर्म में पुट करना और स्क्रिप्ट जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। स्क्रिप्ट जो है वो ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप jQuery डॉक्यूमेंट पुट कर रहे हैं डॉट रेडी फंक्शन, और यहाँ पे डॉलर साइन पुट किया गया जो डिफाइन कर एक्सेस कर रहे हैं jQuery एक्शन को, जिसमें पैराग्राफ फर्स्ट आता है। CSS प्रॉपर्टी जो है वो इसमें यूज की गई है, बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन पुट किया गया। इसके बाद अगेन स्क्रिप्ट और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। बॉडी है जिसमें जो है वो ओपनिंग टैग यूज किया गया, हेडिंग वन यूज किया गया जिसके अंदर सेंटर पुट कर रहे हैं गीक्स और सेंटर जो है क्लोजिंग टैग को रिप्रेजेंट किया गया। हेडिंग वन है जिसके अंदर आप देखेंगे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग यूज किया गया और डिव स्टाइल आता है आपका बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड है और पैराग्राफ जो है गीक्स और गीक ओपनिंग है क्लोजिंग टैग को रिप्रेजेंट किया गया। पैराग्राफ है जिसके अंदर jQuery पुट की गई है, डिविजन जो है क्लोजिंग टैग को रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद जो है वो बाहर आता है जो लाइन ब्रेक कर रहा है फर्स्ट लाइन को, और जिसके अंदर डिविजन का स्टाइल आता है बॉर्डर जो है वन पिक्सल सॉलिड है और पैराग्राफ जो है वो गीक्स फॉर गीक है। पैराग्राफ jQuery और फर्स्ट सिलेक्टर जो है पुट किया गया, डिवीजन क्लोजिंग टैग्स है। पैराग्राफ जो है वो jQuery फर्स्ट सिलेक्टर पुट किया गया, बॉडी जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स को रिप्रेजेंट करना है, HTML जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। आउटपुट है देखें कि यहाँ पे जो है वो फर्स्ट में आप देखेंगे CSS प्रॉपर्टी जो है वो यूज की गई, जिसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन पुट किया गया। इसके बाद अगेन jQuery फर्स्ट सिलेक्टर जो है वो यहाँ पे यूज किया गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया jQuery फर्स्ट सिलेक्टर। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।